Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Is chand pe daag nahi. शमून भाई तो वो है, तो फिर ये कौन है? इसको तो मैं देखती हूँ। हटो जरा, उतार उतार। माय 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 बाल। हेल्पी से चिपकाए क्यों? उतार बाल 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 बाल। क्यों पहने मेरे भाई का सेहरा? हाँ दिखाओ, अभी खराब हो जाना। तो शमून भाई अपनी बदसूरती कैसे छुपाते हैं? क्या बोला? हाँ बदसूरत कहा? शमून भाई बदसूरत क्यों कहूंगा आपको, मैंने तो कहा बदसीरत बदसीरत बदसीरत। क्या मैंने बदसीरत? कॉलर खराब हो जाते तो फिर क्या पहनते आप? बात सुन, तुझे मैंने कहा था कि ये शेरवानी टेलर से लेकर आ। तो मैं लेके तो आया हूँ। मान लिया, पहने क्यों? जरूर मैंने बोला रास्ते में कहीं खराब ना हो तो इसलिए मैंने पहन ली। और वैसे भी यार भलाई का तो आजकल कोई जमाना ही नहीं है ना, मतलब। अच्छा चल बहुत हो गया, उतार अब। उतार शाबाश शाबाश उतार। यार शमुंदर उतार। क्या बहुत हो गया, उतार शाबाश। भाई लड़कियां देख रही हैं यार। हाँ शर्म से डूब मरेंगी ना, वो भी ऐसी कंगली बॉडी देखकर। चल उतार मेरे भाई की शेरवानी, उतार। ओ हेलो, उतार रहा हूं, छोड़ो। उतार नहीं तो तेरी तरह वो भी कुंवारा रह जाएगा। उतार यार, उतार रहा हूं ना माही, उन्हें सबर नहीं होता। देखो 1 2 कैच मी। किसी को किसी का मोहताज न करे। या लव यू जी। अम्मा कहाँ थी तुम? ओहो कपड़े भी बदल लिए, माँ का ख्याल नहीं आया, अपने सिंगार में लग गई। अम्मा वो मैंने जल्दी जल्दी सारे काम खत्म किए थे, मैंने कहा मैं तैयारी हो जाती हूँ फिर टाइम मिले ना मिले। तुम्हारी तैयारी में मेरी तैयारी तो रह गई ना। अरे माजूर हूँ तो क्या, इकलौते बेटे की शादी में क्या मैं तैयार नहीं हो सकती? हाँ मुझे पहले बताती ना। अच्छा चले मैं अपने कपड़े बदल के आती हूँ, आके आपके कपड़े बदलती हूँ, सफाई भी करती हूँ। अरे रहने दे, ऐसे ही सफाई कर दे, बस मेरी बहू को आ जाने दे, फिर हाथ भी नहीं लगाने दूंगी खुद को। आज आखिरी रात समझ के मेरी सफाई कर दे। आ जा मेरे बच्चे, देखना मालूमा मेरी खिदमत के बस तुझे ढेर सारी खादमाओं का साथ मिलेगा। अल्लाह तेरा तख्त बख्त करे मेरी बच्ची। अम्मा
और बेगुनाह लोगों का कत्लेआम, अब कैसी माफी? अगर मेरी मानो ना होती ना, तू तो मुझे बेच के खा जाती, फिर भी ज्यादा ना कमा पाती। आज काला जोड़ा पा, अगर मेरा सुहाग नहीं बचेगा तो इस घर में भी कभी खुशी के शादियाने नहीं बजेंगे। इस चांद पे दाग नहीं। इस चांद पे दाग नहीं। क्या हुआ सुखी, कुछ कहना चाहती हो? जी जी, वो बीबी सैन बड़े सैयान दे पहन, जो बीबी सैन होड़ी आंदे पहन अपने लोग का गुनाह गिन के। क्यों आ रही है बीबी? आप तो जानते हैं वाहे, कल अदालत में बाबा साहेब की सुनवाई है, इसलिए बेबी सैन अर्जी लेकर आ रही है। और बेगुनाह लोगों का कत्लेआम, अब कैसी माफी? क्यों अर्जी ला रही हैं? वाहिद, उन मजारों के कत्ल में मेरे बाबा साईं का नाम आ रहा है, कम से कम आप इस बात का तो लिहाज करें। बेगुनाह नाम नहीं आ रहा है मेरी, कत्ल उन्होंने किए। आज इस किस्से का चश्म दीद कब आया? हाँ, लेकिन वो मेरे बाबा साईं हैं, आप देवर जी से कहते क्यों नहीं कि वो अपनी जिद जाने दें? याद की जिद नहीं है मेरी, इंसाफ का तकाजा है। वो मेरे मजारे थे, गरीब मजारे जिनको बेदर्दी से कत्ल करने वाले भी तुम्हारे बाबा साहिब थे। हाँ वाहिद, लेकिन अब बात हमारे रिश्तों पर आकर टिक गई। अगर देवर जी ने अदालत में बाबा साहेब के खिलाफ गवाही दे दी तो बहुत बुरा हो जाएगा वह, आप उन्हें रोकें। मेरीन, बात यह है कि आद असूल पसंद है, बात वो असूलों की मानेगा, पर फर्ज उसने गवाही दे दी तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? आपसे जुदाई सिर्फ मौत की सूरत में मुमकिन होगी वाहिद, मैं आपको नहीं छोड़ सकती किसी भी कीमत पर, इसीलिए मैं कह रही हूं आप कुछ करके बात को रफा दफा करवाइए। मानुमा,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ बाहर तुम्हारा छिछोड़ा मेंढकों की तरह उछल रहा है। कौन? कौन क्या? वो ही मोहसिन, ना किसी का दुश्मन सभी का। एक तो ना मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आती क्यों उसे दुश्मनी लेके बैठ गई हो। अच्छा भला बेचारे ने सारे शादी के काम संभाल लिए, इतना हेल्प कर रहा है वो हमें। सत्या नाश हो इन जंगली मोहल्ले वालों का, मुझसे नहीं संभलते, आकर खुद ही संभालो, मैं तो तंग आ गई हूँ। सुबह से तूने यहाँ झांक कर भी नहीं देखा, अब क्या लेने आई है? माँ से पूछा भी नहीं, ना खाने का ना पानी का। ये मेरी मानो ही है जो मेरा इतना ख्याल रखती है, अब देख कितना अच्छा तैयार किया है मुझे। हाँ तो भाई की शादी है, आज भी क्या तुम्हारे ही काम करते रहे। चल निकल यहाँ से, ठीक नहीं कहेगी। जा रही हूँ। ए रुक, ये बता राहिल आया है क्या? नहीं आया, लगता है भाग गया। कहीं नहीं भागेगा, 15 साल की थी मेरी मानो, तब से उसके साथ मंसूब है, प्यार करता है वो इससे। तू देखना कैसे नाजों से रखेगा मेरी बेटी को। जा बेटा तू जाके ना अच्छे से तैयार हो जा, सुर्खी पाउडर लगा, परफ्यूम खुशबू लगा, जा मेरा बच्चा। और ठीक नहीं तू तो निकल यहाँ से, बस हर बार आ जाती है दिल जलाने के लिए। अगर मेरी मानो ना होती ना तू तो मुझे बेच के खा जाती। फिर भी ज्यादा ना कमा पाती। क्या कह रही है ये, मुंह में क्या बड़बड़ कर रही है? कुछ नहीं अम्मा, बस दुल्हन भाभी के आने तक तकलीफ में मत पड़ना। हाँ चल दफा हो यहाँ से, निकल। हाँ तो रुकना भी कौन चाहता है, जा रही हूँ। हथियार वाली गाड़ी को अंदर जाना मना है। क्या तुम नहीं जानते हम बेबे के मुहाफिज हैं? चाहे कोई भी हो, बेबे को भाई के घर में मुहाफिजों की जरूरत नहीं है और हमें हुक्म भी नहीं है। मुहाफिजों को क्यों रोक लिया गया है? क्योंकि मामा साईं किसी के भी मुहाफिजों को अंदर नहीं आने देते। तुम्हारे मामा साईं का खून बिल्कुल सफेद हो गया है, लगता है अपनी बहन पे दरवाजे बंद करने की शुरुआत कर ली है। नहीं बेबे मैं बोलती हूँ, मुहाफिज अंदर आ जाएंगे। मेरे भरा को ये एहसास भी नहीं रहा कि बेबे अब उसकी समधन है, उसके बेटे और बेटी की सास। मुझसे ये गैरों वाला सलूक? नहीं बेबे ऐसा नहीं है, मैं बाबा साईं को फोन करके पूछती हूँ, भाई साहब से बात करती हूँ। उससे तो तुम रहने ही दो, अगर उसे अपनी सास का एहसास होता तो उसके इस्तकबाल के लिए बाहर ना आ जाता। भाई साहब जाने दो। मदहोश कर देने वाली आंखें और खूबसूरत चेहरे पर फैली ये मुस्कान चौदहवीं के रोशन चांद की तरह है, जिसकी रोशनी ठंडक बनकर मेरे दिल में उतरती है। और मैं खुशनसीब हूं कि मेरे इस चांद पर दाग नहीं। साहब हमारा खानदान एक है, आप अच्छी तरह से जानते हैं,
हमारे बड़ों का मानना है कि जब एक बेटी आती है तो अपने साथ 7 कुरान शरीफ के बराबर रहमतें और बरकतें लेकर आती है। मैं भी अपने साथ बेटियां लेकर आई हूं। सारी बच्चियां हमारे खानदान से हैं। इनमें से एक तो आपकी नवासी है। पहचानते तो हैं ना आप इसे। मैं आपके पास इन बच्चियों को वास्ता बनाकर इल्तजा करने आई। मैं आपसे गुजारिश करती हूं भाई साहब कि आप अपने छोटे बेटे को रोकें कि वो आपके बहनोई के खिलाफ कोई गवाही ना दे और आपकी बहन महनाज को बेवा होने से बचा ले। भाई साहब, आप लोगों ने तो मरने वालों के पसमांदगान को अपने घर में पना दे रखी है, इसीलिए तो उनकी इतनी जुर्रत हुई, हिम्मत हुई कि मेरे शौहर के खिलाफ अदालत में जा पहुंचे। उनके साथ जुल्म हुआ है, घर उजड़ गए उनके। मैं तो तुम्हारी खातिर मैं खामोश हो गया हूँ, लेकिन अगर उनको हमारे दर से इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो तो अदालत के दर पे जाएंगे। भाई साहब मत भूलें, मैं ही थी आपकी वो बहन जिसने आपके बेटे को अपनी बेटी दी उस वक्त जब बरादरी में इसे कोई हाथ नहीं दे रहा था। लोग कहते थे चौधरी अब्दुल वाहिद मनहूस है, ये अपनी पहली दो बीवियों को खा गया, लेकिन मैंने अपने खून का पास रखते हुए आपको अपनी बेटी दी। इसमें वाहिद का क्या कसूर है? क्या इसने अपने हाथों से दोनों का गला दबाकर मारा था? हाँ, सारी दुनिया जानती है कि एक हाथ साथ ही मौत मरी थी और दूसरी को बीमारी ने मारा था। जो भी हो, घुमा फिरा के सारा इल्जाम तकदीर पर ही आता है, और तकदीर तो आपके बेटे की है। अच्छा, जो भी है, जो तुम चाहती हो वो मेरे बस में नहीं है। बस में तो मेरे भी नहीं, अगर मेरे बस में होता तो मैं खुद निमट लेती, लेकिन अफसोस कि उन लोगों को तो आपके बेटे ने पना दे रखी है। मुजारे थे वो मेरे, जिनको तुम्हारे शौहर ने सयाम कत्ल कर दिया था। वो पानी चुरा रहे थे हमारा। पानी तो अपनी राहें खुद बनाता है महनाज, और फिर पानी चुराने की इतनी सख्त सजा, 9 घर उजाड़ दिया। मगर चुरा तो आप ही की जमीनों के लिए रहे थे ना। तो फिर आपको हमसे शिकायत करनी चाहिए थी बेबे से, ना कि सबको लाइन में खड़ा करके एक साथ गोली से छलनी कर दे। फूफा इतने जालिम कब से हो गए? अरे मैं वही खड़ा चिल्लाता रहा, लेकिन वो तो जैसे गोलियां नहीं पटाखे फोड़ रहे हूं। आपका यहां आना बेसूद है। मैं अभी तक वो मंजर नहीं भूला, वो मासूमों का गिड़गिड़ाना, उस पर वो सफाकी। ताकत का कमजोर पर इस्तेमाल मेरा जमीर इस बात की इजाजत नहीं देता बेबे सैन। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इंसाफ तो होकर रहेगा। तो तू ये भी भूल जाएगा कि वो तेरी फूफी का शौहर है जिसे तू फांसी चढ़ाएगा। हाँ बेबे से, भूल जाऊंगा। तू अपनी फूफी को बेवा कर देगा? मेरे घर पे 9 बेवाएं अपने बच्चों समेत बैठी हैं बेबे से, और मेरे दिल पर इस बात का इतना बोझ है कि मैं रात भर सो नहीं पाता।
अरे नौ घर लुटे हैं बेबे से, नौ घर, और लूटने वाले को पता ही ना चले कि उसने क्या नुकसान किया है। कमाल है। वाह भाई साहब वाह, शुक्र है अब्दुल अहद जवान हो गया, वरना हम तो गफलत में ही मारे जाते। चलो महरीन मेरे साथ चलो, यहां तो रिश्ते खत्म होते महसूस हो रहे। बेबे महरीन, मेरी बहू है और मेरी बेटी। ऐसा ना हो भाई साहब कि मुझे बेवगी का ऐसा चस्का लगे कि मैं अपनी बेटी को भी बेवा करने में देर ना लगाऊं। तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, आज ही की रात है भाई साहब, कल मुझे हाँ में जवाब चाहिए। जो मैनास, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। भाई साहब कल के फैसले में रिश्तेदारी की गुंजाइश रखना मत भूलिएगा। मैंने कहा ना बस बात हो गई, जाओ चली जाओ यहां से। अगर मेरा सुहाग नहीं बचेगा तो इस घर में भी कभी खुशी के शादियाने नहीं बजेंगे। पहले ये तो बताएं कि कैसी लग रही हूं मैं। बहुत खूबसूरत। मेरा सुहाग अभी जिंदा है और मैं उसे मरने नहीं दूंगी। चांद पे दाग नहीं। इस चांद पे दाग नहीं। अज काला जोड़ा पा सती फरमाइश थे जरा अखी जुर्माला सती फरमाइश थे अज काला जोड़ा पा सती फरमाइश थे जरा अखी जुर्माला सती फरमाइश थे अज काला जोड़ा पा सादी फरमाइश ते जरा अखी सुरमाला सादी फरमाइश ते। ए मस्तू, ए मानता है ना अपने उस्ताद को? ऐसा मानता हूँ कि तेरे बाद ना किसी को माना न जाना, दीवाना परवाना मस्ताना। चल हट।
नशा करके बैठा है कमबख्त, इसलिए इतनी बहकी बहकी बातें कर रहा। अरे उस्ताद, मेरा होश मदहोशी तुझसे ही है, यकीन मान मैं तो तुझे देख के अपने होश ही खो बैठा। अरे वाह उस्ताद, बहुत अच्छा लग रहा है तुझे ये चौधरी आफताब के सोग में पहना हुआ काला जोड़ा, एकदम सोगी जोगी गोगी। इस काले जोड़े पे चार चांद तो अब्बा के इस रुमाल ने लगा है। गैबत! ओए गैबत! आया बेबे सरकार। आज काला जोड़ा पा सादी फरमाइश पे। देवर जी कुछ तो ख्याल कीजिए, मेरे बाबा साईं मर जाएंगे, इतने बेरहम तो ना बने, वो आपके भी तो कुछ लगते हैं, आप कैसे उन्हें फांसी पर देख सकते हैं? बेबी सैन तो पहले ही नाराज होकर चली गई। ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? अब्दुल आराम से बात करो, उसकी हालत तो देखो। खुदा का वास्ता है भाभी, आप मुझे मजबूर ना करें, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। जी बेबी। तूने ये काला जोड़ा किस महबूबा के सोग में पहना है? वो बेबी सरकार, जानता है ना, काला जोड़ा किसी के मरने पर पहना जाता है इस हवेली में। बेबी सरकार वो बड़े साई जेल में है ना, तो उतार ये मनहूस रंग। मेरा सुहाग अभी जिंदा है और मैं उसे मरने नहीं दूंगी। बीबी सरकार माफी, माफी सरकार। याद रखना नाज़नीन, कल अगर मेरा सुहाग उजड़ेगा तो बसेगा कोई भी नहीं, चाहे मुझे अपनी बेटी को वापस बुलाकर उसे दूसरी जगह ब्याना पड़े, या फिर तुझे तेरे बाप के घर भेजकर अपने बेटे की दूसरी शादी क्यों ना करनी पड़े। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। अगर मेरा वारिस फांसी चढ़ेगा तो तू अपनी बच्ची और अपने वारिस को भुलाने की तैयारी कर ले। बेबी, इस सब में मेरा क्या कसूर? रिश्ते का तावान तो अदा करना पड़ेगा, तुझे भी मुझे भी, साजिद को भी, अब्दुल वाहिद को भी, आहत को भी और भाई साहब को भी। तो अभी तक यही खड़ा है? दफा हो जा मेरी नजरों से दूर। पराए लोगों के लिए अपनों को आजमाना आप ऐसा नहीं कर सकते। पराए लोग? यही लोग सारा साल अनाज बोते हैं फिर काटते हैं ताकि आप और हम कभी भूखे ना सो सके भाभी। इन्हीं लोगों की वजह से आप मालिक बने हैं, आपकी सरकारें चलती हैं, और फुफा तो हमें नीचा ही इन मजारों मुरीदों के जोर पर दिखाते चले आए हैं, जिनके कंधों पर अपनी शान शौकत का तख्त रखते हैं वो, क्या उनके सर कलम कर दिए जाते हैं भाभी? मेरे पापा साईं ऐसे नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है, आप मान क्यों नहीं जाते कि ये कोई गलत फहमी है? मेरी गलत फहमी? पर बाकी सारा गांव अंधा है, सारे गांव में कोहराम मचा हुआ है भाभी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम अपनी जिद पर डटे हुए और ऊपर से उन लोगों को पनाह दे रखी है। हमारे घर वालों को कुछ तो गुंजाइश थे, लोगों को निकाले यहाँ से ताकि बेबे उनसे बात करके मसला सुलझाएं। बेबे मसला सुलझाएंगी भाभी? अब जानती है मैंने क्यों उन लोगों को अपने घर पे पनाह दी हुई है? क्योंकि बेबे ने उनके घर जला दिए हैं, वो मसले सुलझाती नहीं है,
उलझने बढ़ाती हैं। आप ना करें मुझसे बहस भाभी, मुझे ये बात करके भी बड़ी तकलीफ होती है। फिर भी रिश्ता है हमारा उनसे, बहन है वो मेरी। प्लीज बाबा साई, बेबे ने हमेशा अपने शोहर के काले करतूतों पर पर्दा डाला है, हर बार गवाह और सबूत दोनों मिटा दिए जाते हैं, पर अब बस। आफताब चौधरी को अपने गुनाहों का हिसाब तो देना होगा। मामा साईं, मामा साईं, मेरे बाबा साईं को बचा लीजिए, मेरी बेबी जैन का सोचिए, कुछ कीजिए, हेरों की खातिर अपनों को नजरअंदाज मत कीजिए बाबा साईं। यार अब्दुल वाहिद, ने भाई को समझाओ, समझौता कर ले, तकरार न करे, कहें रिश्तों में दराड़े न पड़ जाए। बाबा साईं, हाथ कब किसी की मानता है, उसके तो खून में ही इंसाफ का रंग है, ऊपर से तालीम भी कानून की, ऐसा शफाफ आईना है कि बंदा कुछ कहे भी तो खुद ही शर्मिंदा हो जाए। फिर भी समझाओ उसे, मैं अपनी बहन का गम नहीं देख सकता। आफताब चौधरी ने बहुत जख्म दिए मुझे, बहुत जख्म दिए हैं, मेरे दर्जनों आदमियों का खून है उसके सर पर, मगर क्या करें, रिश्तेदारी तो है ना। सोचो उसे, समझाओ एक बार फिर, समझाओ उसे, शायद उसकी समझ में आ जाए बात। मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अरे दरक्षा बहन, अल्लाह की कसम, तुम्हारी मां नुमा तो मुझे अपनी बेटियों से भी ज्यादा अजीज है। ऐसी शर्म और हया के नजर में एहतराम भर दे, कहाँ दिखाई देती आजकल के जमाने में ये शर्म और हया। अरे मेरी मानो है ना। हाँ भाई ये तो है। बस अल्लाह नजर बस से बचाए इसे। राहिल भाई। अरे क्या राहिल आया है? जी चाची। रुकी रुकी, पहले ये तो बताएं कि कैसी लग रही हूँ मैं। बहुत खूबसूरत। अच्छा चलें, अब जल्दी से चलें ना, चलें भी, चलें ना। कमाल है उस्ताद तेरे पे, तो शदादा है मेरा उस्ताद। हाय मेरा, ये क्या हुआ उस्ताद तुझे, ये तेरी कमीज कितने फाड़ी है? हे आज हवेली में चीर फाड़ कौन करता है?
बेबे सरकार। हाँ, बेबे सरकार कहती है काला रंग पहना मनुष्य होता है। भूल गई है बेबे सरकार, ये चौधरी आफ्ता आपको सजा जरूर मिलेगी, जरूर। और अगर बच गया तो? मेरा मतलब है उस्ताद कि बेबे सही तो कह रही है, अभी कौन सा आहत चौधरी ने आफताब चौधरी के खिलाफ गवाही दे दी है, अभी तो उसे कोई सजा नहीं ना मिली। मिलेगी चौधरी आफताब को सजा जरूर मिलेगी, जरूर। मैं खुद आहत चौधरी को मैंने खुद इतला दी थी कि आए और आके अपनी आंखों से देखे कि उसका पप्पा चौधरी आफताब कैसी कत्लों का कर रहा। हाँ चौधरी वाहित बंदा है जो चौधरी आफताब को फांसी के फंदे तक लेके जाएगा, मौत तेरा मुकद्दर है चौधरी। अरे आ जा बेटा, भाई जल्दी चले ना। मारू चाची जीता रहे, मेरा बच्चा जीता रहे। कैसा है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? राहिल भाई ये लैक्स लैक छोड़ें और मुझे ये बताएं कि मेरे लिए क्या क्या लेके आए हैं, और कोई भी चीज़ मानुमा से कम नहीं होनी चाहिए, समझे आप? कुछ भी कम नहीं है, सब कुछ एक जैसा है, तुम चाहो तो चेक कर लेना। फिर ठीक है। अरे पर कुर्सी दे उसे, बैठे ये सब मुझे दे दें। अरे राहिल बेटा कब आए, मुझे तो बता दो। चाची बस आज ही आया हूँ, आखिर आपके बेटे की शादी भी तो अटेंड करनी थी और अपनी शादी। हाँ मुझे पता था कि तू शमूद की शादी में जरूर आएगा और अपनी शादी का तस्करा करेगा, क्यों नहीं भाई, तेरा तो हक भी बनता है। कितनी प्यारी घड़ी है, बहुत महंगी होगी ना। अरे मारो किया क्या कर रही है, छोड़ उसका हाथ, ये क्या बेहूदगी है। अम्मा क्या बेहूदगी है, कोई बेहूदगी नहीं है। मारो, अम्मा कह रही है तो छोड़ दो ना, ये कोई तरीका तो नहीं है। क्या हुआ मानुमा, देखने दो उसे। ये लो मैं देता हूँ, ये लो। बहुत महंगी लगती है। हाँ बहुत महंगी है। हाँ भाई जाहिर सी बात है, दिरहमों में कमाते हैं तो पाकिस्तानी हजारों लाखों की तो पहन ही सकते। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा प्यारा दूल्हा राजा, आ मेरे से बलाए ले, आ जा। अरे जीता रहे मेरा लाल, कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ अम्मा बलाए ले लो, क्योंकि मुसीबत जो आने वाली है। मारो। अरे चुप कर जा ठिंगणी, हर वक्त उल्टी सीधी बातें करती रहती है। मेरा बेटा शमून बहू लेकर आ रहा है मेरी खिदमत के लिए, है ना बेटा? हाँ बस जल्दी से मेरी बहू आ जाए तो फिर मैं अपने मानो के हाथ भी पीले कर दूँ। अरे दे घड़ी उसको वापस। अम्मा चलो दो। तमाम गवाहों और बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम चौधरी आफताब ने चौधरी अकबर के 9 मजारों का सरेआम कत्ल किया है, जिसके नतीजे में यह अदालत आफताब चौधरी को दफा 302 के तहत सजाए मौत सुनाती है।
बुरा लगेगा कि मैं उसको आज ही किचन में जाके खड़ा कर दूं, तो अभी शादी को दिन ही कितने हुए उसके। आज के बाद कोई ऊंची नाक वाला जमींदार किसी किसान हारी का खून नहीं बहाएगा। मेरा प्यार लेने के लिए मेरे आगे झुकना पड़ता है, तभी प्यार मिलेगा। अच्छा, तो मेरी नाक टेढ़ी है, ठीक है, तो फिर ये मोबाइल जरा इस टेढ़ी नाक के नीचे से निकाल के तो दिखाएं। तो टके के मजारों की खातिर मेरा सुहाग उजाड़ दिया। अरे बहनों के भाई ऐसे होते हैं। मारुफ कितनी बड़ी हो गई ना, जब मैं गया था तो कितनी छोटी थी। ऐसी बातें तो ना करो जो तुम्हें मुझसे दूर कर। ये सोच कर तो खून खोल रहा है मेरा कि अब आपसे दूरी हो जाएगी। अब मजा आएगा, मैं कुत्ती हूँ ना, अब लगाओ मेरे कांटे को 14 इंजेक्शन।